दोस्तों क्रिस बम्स्टेड को 21 साल की उम्र में प्रो कार्ड मिला था, ये बात बहुत सारे लोगों को पता है। क्रिस बम्स्टेड के सक्सेस के बारे में पता है, उनकी बायोग्राफी भी पता है, बट बहुत ही ऐसे कम लोग होंगे जिनको क्रिस के लेग्स डेवलपमेंट के बारे में पता हो। ऐसा कहा जाता है कि हर एक चैंपियन के अपने खुद के सीक्रेट्स होते, तौर तरीके होते। सो एग्जैक्टली ऐसे कौन से टेक्निक्स थे जिसके कारण क्रिस बम्स्टेड ने ओवर द ईयर्स इतने अच्छे से अपने लेग्स को डेवलप किया है। मैं ओवरऑल लेग्स की बात कर रहा हूँ, ग्लूट्स हो, हैमस्ट्रिंग हो, काप्स हो, और जैसे कि क्रिस बम्स्टेड लेग डोमिनेंट है वो भी आपको बताया, ही हैज़ वन ऑफ द बेस्ट लेग्स इन क्लासिक फिजिक इंडस्ट्री। तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी डिटेल में होगी और जेन्यून इंफॉर्मेशन होगी, तो जो नए लोग देख रहे हैं वो डेफिनेटली ओवरऑल चैनल को ऑब्जर्व कर सकते हैं, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स हो, कंपेरिजन हो, स्टेरॉइड्स, ट्रेनिंग प्रोटोकॉल हो, या फिर पॉडकास्ट को हिंदी में ट्रांसलेट ही क्यों ना करना हो, वो सारी चीज़ें हम कवर करते हैं। एंड उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को लाइक करते हुए हम कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। गाइस, क्रिस बम्स्टेड की आज की जो प्रेजेंट अचीवमेंट है, उस रेस में वो काफ़ी साल पहले से ही भाग रहे थे, बहुत ही पहले उन्होंने प्रिपरेशन चालू करा था। बिकॉज क्रिस बम्स्टेड ने उम्र के 14 साल से वर्कआउट करना चालू करा था, वेट लिफ्ट करना चालू करा था, बिकॉज उनके जो आइडल होते थे वो होते थे टॉम प्लैट्स, डोरी नेट्स, इन जैसे हाई इंटेंसिटी से वर्कआउट करने वाले बॉडी बिल्डर्स। सो ऑफकोर्स क्रिस बम्स्टेड का भी फेवरेट मसल लेग बन गया और वो अपने लेग्स को काफ़ी खुशी से ट्रेन करते थे, और 16 साल की उम्र तक आते आते वो 315 पाउंड्स का स्क्वाट करने में कामयाब हो गए। 315 पाउंड्स मतलब दोस्तों ऑलमोस्ट 143 केजीज। तो 16 साल का बंदा एक 143 केजी क्लीन स्क्वाट करता है, वो काफ़ी एक अच्छी बात होती है और उससे उनकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा भी हमें पता चलता है। और क्रिस बम्स्टेड पास्ट इंटरव्यूज में ये भी कहते हैं कि मैं पास्ट में काफ़ी ज़्यादा हेवी लिफ्ट करता था, अभी मैं उतना हेवी लिफ्ट नहीं करता हूँ। मेरे मोस्ट ऑफ सेट ऐसे होते थे जिसमें मैं ओनली 4 to 5 रेंज में ही लिफ्ट करता था, मतलब जो वेट वो चूज़ करते थे उस वेट पे वो 4 to 5 रेप ही लगाते थे, मतलब अकॉर्डिंगली वो उतना हेवी वेट चूज़ करते थे। बट अभी वो ज़्यादा फटिक पे फोकस करते हैं, ज़्यादा रेप्स पे फोकस करते हैं, वो एटलीस्ट 10 रेप्स तो करते ही करते हैं, इसके अकॉर्डिंग वो वेट चूज़ करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एक्चुअल क्रिस बम्स्टेड कैसे वर्कआउट करते थे, कैसे उनका रूटीन था और कैसे उनका माइंडसेट एंड अप्रोच था लेग वर्कआउट के लिए। बिकॉज आपको पता है कि हर एक कोई वर्कआउट हो बॉडी बिल्डर फुल मोटिवेट होकर आता है उस वर्कआउट करने के लिए, और उनको लगता है कि वो उनकी ज़िंदगी का आखिरी वर्कआउट है, इस तरीके से वो अपना अप्रोच रखते हैं और इसी को ही बॉडी बिल्डिंग माइंडसेट कहते हैं। तो चलिए क्रिस बम्स्टेड का लेग रूटीन हम देख लेते हैं। कभी कभी क्रिस बम्स्टेड लेग एक्सटेंशन करते हुए अपने बॉडी को आगे झुकाकर लेग्स को ट्रेन करते थे, बिकॉज उनके कॉर्ड्स को उनको वार्म अप करना था। बट कभी कभी क्रिस बम्स्टेड प्रॉपर तरीके से अपने बैक को सीट को टच करते हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से चेस्ट अप करके ओवरऑल लेग्स पे प्रेशर लेते हैं, स्क्वीज करते हैं और उसके बाद अपना वर्कआउट चालू करते हैं। इसके इमीडिएट बाद क्रिस बम्स्टेड की सेकेंड एक्सरसाइज थी स्क्वाट, और क्रिस बम्स्टेड जब अपनी स्ट्रेंथ पे काम करते थे, मतलब जब उन्होंने ओलंपियन नहीं जीता था तब उन्होंने 605 पाउंड्स पे 5 रेप्स लगाए थे, और मैक्स सिंगल रेप उन्होंने 645 पाउंड्स पे लगाया था, और मतलब आप समझ सकते हो 45 पाउंड्स की 6 प्लेट्स हो गई हर एक साइड पे। और जब उन्होंने ओलंपिया जीता था, मतलब वो ऑफिशियल ओलंपिया थे क्लासिक फिजिक के, तब जो उनका वर्किंग सेट्स होते वो 3 वर्किंग सेट्स होते थे, और उसमें वो 495 कॉन्स्टेंट वेट चूज करते थे और उस पर वो 10 to 15 रेप्स करते ही करते थे। और इन 3 वर्किंग सेट के बाद उनका फाइनल ड्रॉप सेट हुआ करता था, जो कि काफ़ी किलर था, बिकॉज वो 405 वेट पे ड्रॉप सेट करना चालू करते थे, कुछ रेप्स वो लगाते थे अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, और उसके बाद 315 पाउंड्स पे वो वेट रिड्यूस करते थे, उसके बाद फिर से वो 225 पे वेट रिड्यूस करते थे, और इस प्रकार से वो टोटल 45 रेप्स कंप्लीट करते थे अपने ओनली ड्रॉप सेट में। तो आप सोच सकते हो कि कितना उनका स्ट्रांग वर्कआउट होगा और कितने फेल्योर तक वो जाते थे। बट दोस्तों क्रिस बम्स्टेड जैसे ही ओलंपिया चैंपियन बने, उनका माइंडसेट पूरी तरीके से बदल गया, बिकॉज उनको पता लग गया कि अगर आपको चैंपियन बनना है वो भी लंबे टाइम के लिए, देन आपको स्मार्ट वर्क करना होगा हार्ड वर्क से ज़्यादा। तो उन्होंने रेप्स ज़्यादा चुन लिया, वेट कम चुन लिया, मतलब क्रिस बम्स्टेड ने कुछ ऐसा वेट चूज करना चालू किया हर एक एक्सरसाइज में जिसपे वो मिनिमम 10 रेप्स लगा पाए, बिकॉज उनका फोकस पूरी तरीके से चेंज हो गया। उनका फोकस यही था कि उनको हर एक मसल को स्टिम्युलेट करना है, और उनको जो जितना पॉसिबल कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है उतना 100% कॉन्ट्रैक्शन उनको अपने मसल्स को देना है, और उनको लगा कि रादर देन मूविंग वेट उनको बिलो पैरेलल जाना काफ़ी पसंद आने लगा। और आज आप क्रिस बम्स्टेड की हर एक एक्सरसाइज देख लेना, स्क्वाट ही देख लेना,
वो बिलो पैरेलल जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरा माइंडसेट ही कुछ इस तरीके से चेंज हुआ है कि मुझे पैरेलल पे आके रोकना काफ़ी मुश्किल चीज़ हो गई है, बिकॉज जब वो पैरेलल से भी नीचे जाते हैं उनको काफ़ी अच्छा फटिंग मिलता है, काफ़ी माइंड मसल कंडीशन अच्छा होता है और उनके मसल्स को स्क्वीज एंड कॉन्ट्रेक्शन काफ़ी अच्छा मिलता है। दोस्तों चलो एक प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। गाइस रियल फैट बर्नर मतलब आपके दिमाग में आता होगा, आपको घबराहट होगी, आपका सिर चकराने लगेगा या फिर आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, बट एक्चुअल में रियल फैट बर्नर ओनली फैट बर्निंग प्रोसेस पे ही फोकस करता है। ट्रांसफॉर्मिंग न्यूट्रिशन का ये एस बस्टर आपके फैट बर्निंग प्रोसेस पे 100% फोकस करेगा, बिकॉज इसमें कुछ ऐसे स्टिमुलेंट्स डाले गए जिसके कारण आपके वर्कआउट की एफिशिएंसी भी बढ़ती है, आपका एपेटाइट भी ग्रो होता है, बूस्ट होता है एंड इनडायरेक्टली मेटाबॉलिज्म बूस्ट होकर आपकी फैट बर्निंग प्रोसेस हो जाती है, राइट? अगर मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में बता दूं देन इसमें तीन मेन कंटेंट्स होते हैं जो कि फैट बर्निंग पे फोकस करते हैं और हर एक फैट बर्नर में ये कंटेंट्स होने चाहिए। मेनली तीन कंटेंट्स इसमें आते हैं जो कि कोलिन, इनोसिटॉल एंड थियोबोबिन, जो कि मेनली फैट बर्निंग प्रोसेस पे ही फोकस करते हैं। आई डोंट नो कि किसी अदर ब्रांड्स में ये कंटेंट्स डाले गए या फिर नहीं, बट ट्राइट नाउ इन इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री ऐसा कोई भी फैट बर्नर नहीं है जो कि एस बस्टर को बीट कर सकता है रिजल्ट्स में और आपको इन सारे सिम्टम्स से भी सफर नहीं करना होगा। सो इट डजंट मैटर वेदर यू आर बॉय और गर्ल, जस्ट स्टार्ट योर ट्रांसफॉर्मेशन राइट नाउ एंड डोंट फॉरगेट गाइस, इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू, स्टे स्ट्रांग। सो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, अगर आपको बाय करना देना आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो एंड मेरा कूपन कोड यूज करके आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके बाद क्रिस मस्टर्ड की थर्ड एक्सरसाइज होती थी सिंगल लेग प्रेस। क्रिस मस्टर्ड इसमें अपना एक सीक्रेट बताते हैं। क्रिस मस्टर्ड कहते हैं कि प्रॉपर तरीके से ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग को ग्रो करने के लिए मुझे सिंगल लेग प्रेस काफी बेटर लगा और जिससे मुझे काफी अच्छा कॉन्ट्रैक्शन भी मिला। और क्रिस जब सिंगल लेग प्रेस करते थे वो अपना पैर प्लेटफॉर्म पे सबसे ऊपर रखते थे सो दैट उनके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग पे एक प्रॉपर तरीके से प्रेशर आ जाए और उनको वर्कआउट करते हुए एक राइट फील मिले। सो क्रिस मस्टर्ड हमेशा कहते हैं इट्स ऑल अबाउट गुड फीलिंग, अगर आपको अच्छी फीलिंग आ रही है वर्कआउट करते हुए, आपका माइंड मसल कंडीशन अच्छा है और घर जाके अगर आप न्यूट्रिशन अच्छा करते हो देन डेफिनेटली आपके मसल्स 100% ग्रो होंगे। एंड क्रिस मस्टर्ड फोर्थ एक्सरसाइज इज लंजेस। क्रिस मस्टर्ड हमेशा वॉकिंग लंजेस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं बिकॉज उससे उनको काफ़ी बेटर स्ट्रेच मिलता है। वो कहते हैं कि अगर मैं स्पेसिफिक वर्कआउट में अपने क्वाड्स पे फोकस कर रहा हूँ देन मैं शॉर्टर स्टेप्स में लंजेस लगाता था सो दैट मेरे क्वाड्स उसमें अच्छे तरीके से स्टिम्युलेट हो जाए, मतलब जो स्टेप होता है वॉकिंग लंजेस का वो उनका जो स्टेप डिस्टेंस होता है वो काफ़ी शॉर्टर था। बट उसके बाद क्रिस मस्टर्ड को जब लगा कि उनके जो क्वाड्स है वो ओवर डेवलप हो गए अपने ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग के मुकाबले देन उन्होंने वॉकिंग लंजेस में भी एक चेंज करा, उन्होंने लॉन्गर स्टेप्स लेना चालू किया सो दैट वो अपने ग्लूट्स और अपने हैमस्ट्रिंग को अच्छे तरीके से फील कर सके और अच्छे तरीके से उसको स्ट्रेच दे सके। बिकॉज आप सभी को पता है जैसे कि अगर आप मसल्स को अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्शन दे रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो तो अगले दिन वो मसल काफ़ी सोर रहेगा और अगर आप रिकवरी में अच्छा फूड खा रहे हो देन डेफिनेटली वो मसल ग्रो होगा। उसके बाद क्रिस मस्टर्ड लेग कर्ल्स करते थे तो वो सिटल लेग कर्ल्स ओनली वार्म अप के लिए ही करते थे और वार्म अप में ही वो तीन सेट लगाते थे 20 रेप्स के, बट जो उनका एक्चुअल वर्किंग सेट होता था वो स्टैंडिंग होता था बिकॉज क्रिस मस्टर्ड लेग कर्ल्स में कंपाउंड मूवमेंट पे ज़्यादा बिलीव करते थे और उस वर्कआउट में उस एक्सरसाइज में वो 5 सेट्स लगाते थे ईच 10-15 रेप्स। और दोस्तों क्रिस मस्टर्ड की काफ एक्सरसाइज बिल्कुल अलग तरीके की थी बिकॉज लोअर बॉडी में उनका वीक मसल था उनके काफ्स, तो इसलिए वो हफ्ते में 2 बार काप्स को ट्रेन करते थे। वो सबसे पहले एक सुपर सेट लगाते थे, हर बार जब वो काप्स को ट्रेन करने जा रहे वो हेवी स्टैंडिंग काप्स लगाते थे 10 रेप्स के लिए, मतलब ऐसा वेट वो चूज करते थे जिसमें वो ओनली 10 रेप्स ही निकाल पाए। और उसके बाद वो सीटेड काप रेजेस लगाते थे थोड़ा सा वेट कम करके और वहाँ पे वो 25 रेप्स लगाते थे, मतलब टोटल हो गए 35 रेप्स और ऐसे वो 4-5 टाइम करते थे, मतलब आप समझ सकते हो कि काप्स को वो सुपर सेट लगाते थे और वो सुपर सेट 4-5 बार लगाते थे, मतलब उनके काप्स रूटीन में टोटल 5 सुपर सेट होते थे। सो दोस्तों एट द एंड क्रिस मस्टर्ड जो बिगिनर लोग हैं या फिर जो बॉडी बिल्डर्स हैं उन सारे बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी को कुछ मैसेज देते हैं या फिर कुछ एडवाइस देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको आपके स्क्वाट की स्ट्रेंथ बढ़ानी है देन आप डेली स्क्वाट करो, मतलब अगर आप हफ्ते में 2 बार स्क्वाट करते हो देन उस प्रोसेस को आप थ्रू आउट द ईयर कंसिस्टेंट रखो और लेग वर्कआउट आप एक रियल इंटेंसिटी के साथ करो और थ्रू आउट द ईयर आप अच्छा न्यूट्रिशन लोगे देन आप डेफिनेटली इंटेंसिटी के साथ कोई भी वर्कआउट कर पाओगे। उसके बाद क्रिस मस्टर्ड ये मिस्टेक निकालते हैं कि जो लोग होते वो ज़्यादा आगे झुकते स्क्वाट करते हुए, बट आपको ज़्यादा आगे झुकना नहीं, आपको एक प्रॉपर अपराइट स्टांस मेंटेन करना है। एट देन क्रिस मस्टर्ड कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही कम वेट पे नी रैप्स लगाते हैं तो डेफिनेटली आपको नी रैप्स
लगाना नहीं है। मतलब क्रिस वेमस्टर इंटरव्यू में डायरेक्टली यही बताते हैं कि आप नी रैप्स यूज ही मत करो। आई डोंट नो कि क्रिस वेमस्टर अभी यूज करते हैं या नहीं, बिकॉज वो अभी हैनी रैम्बोर्ड के अंडर है एंड डेफिनेटली हैनी रैम्बोर्ड एक एथलीट के हेल्थ पे भी ज्यादा फोकस करते हैं, उनको इंजरी ना हो, वो लंबे टाइम के लिए कम्पीट करे और नंबर वन पे होके कम्पीट करे, ऐसा हैनी रैम्बोर्ड का अप्रोच होता है, माइंडसेट होता है। बट क्रिस वेमस्टर ने साफ कहा था इंटरव्यू में कुछ साल पहले कि आप नी रैप्स लगाओ ही मत, बिकॉज नी रैप जो होते हैं वो आपको सपोर्ट देंगे और इसलिए आप अपना पीआर हिट कर पाओगे, बट आप प्रॉपर तरीके से आपके मसल को फटिक नहीं दे पाओगे, आपके मसल्स को ब्रेक नहीं कर पाओगे। तो इनडायरेक्टली यही क्रिस वेमस्टर का मानना था। बट अगर आपने वीडियो पूरी तरीके से अच्छे से देखी होगी तो आपको पता लग गया होगा कि क्रिस वेमस्टर कंपाउंड मूवमेंट पे भी उतना ही फोकस करते, उतना ही बिलीव करते जितना वो आइसोलेशन मूवमेंट पे करते हैं। सो दोस्तों, यही क्रिस वेमस्टर के लेग डेवलपमेंट्स के कुछ टेक्निक थे। मतलब इसी तरीके से क्रिस वेमस्टर ने अपने लेग्स को ओवर द ईयर ट्रेन करा है, डेवलप करा है और आज आप देख सकते हो उनके लेग्स किस लेवल पे है। तो डेफिनेटली अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हो देन आप इस रूटीन को ट्राई कर सकते हो, अगर आपको अच्छा फटिंग मिलता है, अच्छा फील होता है देन आप इसे कंटिन्यू रख सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगा गाइस, सो फॉर दैट आई एम सॉरी। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, सी यू सून, लव यू ऑल एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट।